हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम वशराज। हम भारत का गूगल बच्चा देखने लगे हैं गाइस, जो बहुत ही ज्यादा इसको टैलेंटेड बच्चा, इतना ज़हीन बच्चा हमने नहीं कौन देखा। कौन बनेगा करोड़पति में गया और इसने मतलब सबको उधर शॉक करके बच्चन तक को शॉक कर दिया यार। तो पहले देखते हैं क्या हुआ है, बाकी बातें करेंगे बाद में। बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, इस तरह का एक बच्चा हम पहले कुछ टाइम पहले लाए थे, लेकिन वो मतलब अलग चीज में थोड़ा तेज था। तो जल्दी देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जूनियर मतलब बच्चों को भी बुलाया जा रहा है। भाई साहब तैयार हो जाइए, छठा प्रश्न आएगा, 30,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, एक ही आपको हम तस्वीर दिखाएंगे और वो ये है कि इस स्वतंत्रता सेनानी को पहचाने, आइडेंटिफाई दिस फ्रीडम फाइटर। कैन यू सी द पिक्चर प्लीज? सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये तो हम भी जानते हैं। ये वही है, देख लिया? ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी शहीद भगत सिंह, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। चलो भाई पहले सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, उत्तर बताइए। सर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लॉक किया जाए। हाय हाय सी पर ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सही प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 20,000 पॉइंट जीत लिया आपने। छवि में दिखाए गए व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनको भारत रत्न मिला था 1991 में। और जो कि एक बार बात बोलनी थी, बोलूं? हाँ हाँ। उनको जो भारत रत्न मिला था 1991 में, उनके साथ और भी दो लोगों को मिला था, वो जो है वो है राजीव गांधी जी और मोरारजी देसाई जी। यार किसी मौले पे इस बच्चे को। चलते हैं आगे भाई साहब, अब आएगा आपके सामने सातवां प्रश्न। ठीक है, इसका मूल्य है 40,000 पॉइंट। तैयार हो जाइए, सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। आपको इनमें से क्या आमतौर पर एशिया के मानचित्र पर नहीं मिलेगा? Which of these would you usually not find on a map of Asia? ऑप्शन देखिए, ए ब्रह्मपुत्र रिवर, बी रशिया, सी हिमालय, डी एंडीज माउंटेन्स। सर प्लीज, ब्रह्मपुत्र नदी, रूस, हिमालय या एंडीज पर्वत? सर प्लीज लॉक, देख लीजिए सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी एंडीज माउंटेन्स। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई बधाई। सात प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 40,000 पॉइंट जीत लिए। एंडीज माउंटेन जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, एशिया वाले कॉन्टिनेंट में नहीं है, और ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, एंडीज माउंटेन्स। ऑलराइट विराट जी, अब आएगा आपके सामने आठवां प्रश्न आएगा, 80,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। पूछिए। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ग्वालियर टैंक मैदान, जहां भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, का नाम बदलकर एक घटना की स्मृति में क्या रखा गया था? यस सर। व्हाट वाज ग्वालियर टैंक मैदान वेयर द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, रीनेम्ड To commemorate the event? Yes, sir. Option देखिए, A. Sir, please lock option B, अगस्त क्रांति मैदान। ए जुलाई क्रांति मैदान, बी अगस्त क्रांति मैदान, सी सितंबर क्रांति मैदान, डी अक्टूबर क्रांति मैदान। सही उत्तर बताइए। प्लीज लॉक ऑप्शन बी अगस्त क्रांति मैदान। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे चलते हैं विराट भाई साहब, नवा प्रश्न आएगा आपके इस खेल के जीवन में, और वो 1,60,000 पॉइंट के लिए। नवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन देते हैं यार, क्या टैलेंट है, क्या कॉन्फिडेंस है।
क्रिस्टोफर हिपकिंस 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री बने? क्रिस्टोफर हिपकिंस बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन द ईयर 2023? जहां पर भी न्यूजीलैंड होगा ना उसको नॉक कर दीजिएगा। न्यूजीलैंड ही था भाई, वाकई न्यूजीलैंड वो अच्छे हैं, दूसरी तो ये बने हैं, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर न्यूजीलैंड, ये बच्चा गूगल है। और आपके ऑप्शंस हैं ये भाई साहब, ए ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन डी न्यूजीलैंड, सी जमैका, डी ब्राजील। ओके सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, लगा दीजिए ताला। बिल्कुल सही बात है भैया, क्या बच्चा है यार। अच्छा ये भी जानकारी दे दीजिए कि जनवरी 2023 में जेसिंडा आर्डन के इस्तीफा देने के बाद क्रिस हिपकिंस ने पदभार जो था ये संभाला। उनका निकनेम मालूम है क्या है? निकनेम? हाँ, उनका निकनेम है चिपी। चिपी याद रखिएगा इसको, ठीक है? ओके, अब भाई साहब एक चेतावनी, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। हाँ। आ गया है दसवां प्रश्न, मिलेगा आपको 3,20,000 पॉइंट्स जी। बच्चे आजकल बड़े तेज हैं यार। ऐसा हो सकता है कि मैं खेल छोड़ के चला जाऊं, अभी क्या जरूरत क्या है हमारी? आपके बिना तो खेल अधूरा है। हाँ? आपके बिना तो खेल अधूरा है। ऑलराइट भाई साहब, विराट भाई साहब, दसवां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स। हाँ। पॉइंट्स। हाँ। पॉइंट्स। हाँ। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ। सुपर स्मैश और बिग बैश लीग किस खेल की कुछ प्रतियोगिताएं हैं? सुपर स्मैश एंड बिग बैश लीग अ कॉम्पिटिशंस इन विच स्पोर्ट? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी बेसबॉल, सी बास्केटबॉल, डी कबड्डी। क्रिकेट यार, क्रिकेट ये लगता है बच्चा क्रिकेट नहीं देखता। मुझे भी लगता है सुपर स्मैश और बिग बैश। बिग बैश लीग का तो मुझे पता है, जो लाइफलाइन है आपके पास अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ज्ञानास्त्र। ओके शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब विराट जी जैसा कि आप जानते हैं इससे ये प्रश्न जो है ये पलट जाएगा, एक और प्रश्न आएगा आपके सामने। इससे पहले कि वो प्रश्न आए सबसे पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा, तो किसी एक को गेस कीजिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए क्रिकेट। क्रिकेट ए क्रिकेट पे ताल लगाया जाए। सही होता है, सही था ये। सुपर स्मैश जो है ये न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग T20 क्रिकेट के मुकाबले। अब भाई साहब ज्ञानास्त्र जी को आपको इस प्रश्न को हटा देंगे और आपने जो विषय जो सब्जेक्ट आपने बोला था वो क्या था? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बोला था, तो ज्योग्राफी के आधार पर अगला प्रश्न आएगा और इसके लिए आपको वो मंत्र बोलना पड़ेगा, जल्दी से बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। पलट दिया जाए प्रश्न को। ये एक तस्वीर वाला प्रश्न है। थैंक यू। ज्योग्राफी आपका विषय है, इस राज्य की राजधानी क्या है? तस्वीर दिखाई जाए, तस्वीर दिखाई जाए कंप्यूटर जी। What is the capital of the state? कहीं भी लखनऊ होगा तो लॉक कर दीजिएगा। अच्छा यूपी का लखनऊ। बड़ा इजी है। ऑप्शन रखता हूँ आपके सामने भाई साहब। ए गुवाहाटी, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी लखनऊ। क्या करें? लखनऊ को कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बच्चा तेज है भाई। इसी के साथ यार वीडियो खत्म।
भाई ऐसे बच्चा एक भी पाकिस्तान में नहीं होगा यार। क्या जहीन बच्चा है यार, इसने अमिताभ बच्चन सर को भी घुमा दिया है। मतलब अभी ऑप्शन नहीं आते पहली जवाब दे देता है कि भाई इसको लॉक कर दिया जाए। ये इंडियन टैलेंट है, ये टैलेंट है भाई मेरे, इसको देख लो। और हमारे से अगर किसी से पूछो तो क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था, उसने नहीं देखा। वरना हालांकि उसने जो वो क्या कहते हैं सोचे हुआ था वही था, उसने क्रिकेट बोला है वो भी ठीक था आंसर, लेकिन वो फिर भी उसने जो है ना किया है तो यार बहुत बड़ी बात है। हाँ, जिस बच्चे के पास इतना ज्यादा नॉलेज हो खुद सोचो कि वो किस लेवल पर जाएगा। इंडिया का फ्यूचर जो है ना ब्राइट है। मुझे हंसी उस पे आ रही है, बताओ सर को मूवी देख रहा था। सही बात है, कहता मैं चले जाता हूँ। सही बात है, सही बात है यार। ये इंडिया के बच्चों का टैलेंट है, तब भी तो इंडिया दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये रीजन है यार। फ्यूचर ब्राइट है भाई इंडिया का, इंडिया का फ्यूचर बहुत आगे जाने वाला है ऐसे बच्चे। हमारे बच्चों से पूछो, इंडिया चांद पर चला गया। नहीं ठीक है, हमारे पास भी है यार, हमारे पास है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आप बोलो ना इंडिया चांद को, पाकिस्तान में टैलेंट होता है 10% अगर है ना तो हमारे पास 90% के पास टैलेंट भी बहुत है। ये भी है, देखो ये नहीं चाहिए वो वाली बात है कि पाकिस्तानी टैलेंट बहुत है। अच्छा, पाकिस्तानी से पूछो इंडिया चांद पर चला गया तो वो कहते हैं जा जा इंडिया चांद से चला जा, चांद से चला जाए। मतलब आते हैं यार, यार सीरियसली बात ऐसी करते हैं कि हंसी आती है। और इधर इंडिया के बच्चे देखो वो भाई ज्ञान फैला रहे, उनको क्वेश्चन बताओ पहले ही आंसर दे देते हैं। वाकई में मजा आया यार, मजा आया। गाइस इसकी और भी वीडियो चाहिए तो बताना अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।